फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं में वर्तमान में अगर दर्शकों पर किसी का जादू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वो अभिनेता है शरद मल्होत्रा, जिन्होंने नागिन 5 में अपनी एक्टिंग से दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी, जिसके चलते अब ये अपने दूसरे प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हैं। और उन्हीं में से एक नाम है इनके शो विद्रोही का, जिसका कुछ दिनों पहले ही प्रोमो रिलीज किया गया, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये शो काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। प्रोमो को देखकर हर कोई इस शो के लिए काफी एक्साइटेड हो चुका है। वह इस शो से जुड़ी ऐसी चार बातें सामने आ रही हैं जो दर्शकों के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो आखिरकार क्या है शो से जुड़ी वो चार बातें जिससे ये शो और भी ज्यादा धमाल मचाने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मगर उससे पहले आप शरद मल्होत्रा और उनके इस शो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। टीवी इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर शरद मल्होत्रा का शो विद्रोही जितना ज्यादा ग्रैंड अपने प्रोमो में नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड है, जिसमें चार ऐसी बातें हैं जो इस शो को न सिर्फ पर्दे पर सफल बनाएगी बल्कि इसे बाकी दूसरे टीवी शो से आगे भी निकालेगी। और बात करें शो से जुड़ी इन चार बातों के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि शरद मल्होत्रा इस शो में एक नहीं बल्कि दो दो अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी जमाते नजर आएंगे। जी हाँ, इस शो में शरद मल्होत्रा के साथ एक नहीं बल्कि दो दो एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, जिनमें पहली अभिनेत्री हेमा लिंगल है जो कि पर्दे पर इस शो के साथ डेब्यू करने वाली हैं। और यही वजह है कि दर्शक इनके साथ शरद को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी अभिनेत्री के तौर पर शो में सुलग्ना पाणिग्रही नजर आने वाली है, जो कि करीब 11 साल बाद छोटे पर्दे पर कदम रखेंगी, जिसके चलते इनके फैंस इनके शो को देखने के लिए अपने आप खींच चले आएंगे। वहीं शो से जुड़ी दूसरी बात ये है कि शो में शरद का डिफरेंट लुक है। जी हाँ, जहाँ अक्सर ही शरद मल्होत्रा को मॉडर्न कपड़ों में हैंडसम अवतार में देखा गया, तो वह इस शो में इनका अवतार इनके पिछले बाकी अवतारों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जहाँ कुछ दिनों पहले शो से जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें शरद मल्होत्रा माथे पर तिलक, लंबे बालों और धोती पहने काफी ज्यादा यूनिक कैरेक्टर में जगन्नाथ जी की पूजा करते नजर आए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शो में उनका किरदार काफी ज्यादा धार्मिक किरदार होने वाला है। वही क्योंकि ये शो में एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाएंगे, इसलिए शो में इन्हें काफी एक्शन भरे अंदाज में देखा जाएगा। अब बात करें शो से जुड़ी तीसरी बड़ी बात की, तो आपको बता दें इस शो के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये शो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें 1817 में हुई उड़ीसा की पाइका क्रांति के बारे में दिखाया जाएगा। और क्योंकि इससे पहले भी टीवी इंडस्ट्री में कई हिस्टोरिकल शोज काफी सफल हो चुके हैं, इसलिए इस शो के सफल होने के कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब अंत में बात करें शो से जुड़ी चौथी बात की, जिससे शो बाकी सभी शो पर भारी पड़ेगा। तो आपको बता दे चौथी बात ये है कि ये शो काफी ज्यादा बड़े बजट में बनाया जा रहा है, जहां मेकर्स शो पर पैसा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जहां शो के प्रोमो में ही इसके जबरदस्त ग्राफिक्स, विजुअल और VFX हर किसी को शो की तारीफ करने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं शो के कॉस्ट्यूम से लेकर किरदारों के मेकअप तक पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, जिसके चलते शो अपनी सब खासियतों से और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी वो चार बातें जो इस शो को पर्दे पर दूसरे शो से आगे निकाल देंगी। तो आप इस शो के लिए अब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।